रामनगरी अयोध्या में आज से तीसरे दीपोत्सव का आगाज रन फॉर आस्था के साथ प्रारंभ हुआ। इस दौरान अयोध्या की सांसद लल्लू सिंह और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। रन फॉर आस्था कार्यक्रम के अंतर्गत अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागी राम पैड़ी से बड़ी संख्या में निकलकर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग नया घाट से राम घाट उद्या पब्लिक चौराहा राजघाट होते हुए सरयू तट के रास्ते राम की पैड़ी पर समाप्त होगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि तीसरे दीपोत्सव के दौरान रन फॉर आस्था का आयोजन मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुए हेरिटेज वॉक के स्थान पर इस वर्ष युवाओं को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बताया कि युवाओं की भागीदारी से अयोध्या के गौरव का हिस्सा होंगे। वहीं बताया गया कि अयोध्या में दीपोत्सव प्रतिवर्ष अपने अलग अलग स्वरूपों में दिखेगी। इसके लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस आयोजन में 2000 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 6000 से अधिक युवा आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अयोध्या जनपद के सभी प्रतिनिधि, जिसमें अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक गोरखनाथ, नगर निगम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त मनोज मिश्रा, जिलाधिकारी अनुज ओझा, SSP आशीष तिवारी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व नगर प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये दीपोत्सव है, खुशी का त्यौहार है, दिए जलने हैं, चारों तरफ जो है उजाला होना है। इसके साथ साथ यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को जोड़ा गया है। मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक नया इवेंट आप लोग शुरू करिए, रन फॉर आस्था, और मैंने फिर जिलाधिकारी महोदय से आपके पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि वाइस चांसलर साहब भी यहाँ हैं, सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो है मेयर साहब भी हैं, विधायक जी भी हैं। ये एक नया एक कह लीजिए एक नया अनूठा जो है प्रयास है कि हम अपने इस बड़े कार्यक्रम में एक नई चीज़ जोड़ रहे हैं, और हर साल कुछ नई चीज़ जुड़ती जाएगी तो अयोध्या का जो एक जो महत्व है, अयोध्या का जो पूरा एक गौरव है, उसको प्राप्त करने का एक तरीका है। यूथ में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में, लड़के में, लड़कियों में, जिस तरह का अभी मैंने जो है यहाँ पर उत्साह देखा है, तो वही उत्साह को टैप करने के लिए, उत्साह को और एक जगह लाने के लिए, और वो भी राम की पैड़ी से जो है शुरू करने का, ये जो एक प्रयास आप लोगों ने किया है, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा जो भी सब लोग यहाँ जुटे हैं। विशेष रूप से उन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा जो है ऊर्जा के साथ निकले हैं, यही ऊर्जा जो है एक साथ लाने के लिए रन फॉर आस्था शुरू किया गया। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ये केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है विचार था। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, और हम लोग ने सोचा कि कैसा होगा, लेकिन आज बहुत अच्छा हुआ है। आप सभी लोगों को, जितने आयोजक गण हैं सबको बहुत बधाई, और यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी।